सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोइंग पोर्टफोलियोज। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स की जिनका वैल्यूएशन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है और दुनिया जहां की रिसर्च करने के बाद मैंने इनको अपनी लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया है। ये तीनों स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और तीनों ही स्टॉक्स में मुझे आने वाले टाइम में जबरदस्त ग्रोथ नजर आती है। इन तीनों स्टॉक्स का पीई भी इनके प्रॉफिट्स और ग्रोथ के हिसाब से सरप्राइजिंग है। आपको बता दूं कि तीनों ही स्टॉक्स मेरे मल्टीबैगर पोर्टफोलियो का पार्ट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सिर्फ शेयर का नाम जान लेने से आप उनमें इन्वेस्ट तो कर दोगे पर उनके इनडेप्थ एनालिसिस को आप नहीं जान पाओगे कि आखिर इन सब में कितना दम है अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए तो मैं आपको ट्रेडिंग पिक्स बता दूंगा, बट अगर आपको एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टर्म होराइजन आपको रखना ही होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, जिससे आने वाले और भी वीडियोस में आप किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक टायर सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है सीएट टायर्स लिमिटेड। कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1924 ट्यूरिन इटली में। सीएट की फुल फॉर्म है कैवी इलेक्ट्रिसी ई एफिनी टोरिनो, फुल फॉर्म इटालियन लैंग्वेज में है। सीएट कंपनी इंडिया में आरपीजी ग्रुप ओन करती है। राम प्रसाद गोयनका यानी आरपीजी ग्रुप एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। 2013 में राम प्रसाद गोयनका की डेथ के बाद उनके बड़े बेटे हर्ष गोयनका कंपनी के चेयरमैन बने। आरपीजी ग्रुप के पास सीएट, केईसी इंटरनेशनल, जेंसा टेक्नोलॉजीज, आरपीजी लाइफ साइंसेज, हैरिसन मलयालम लिमिटेड, आरपीजी वेंचर्स जैसे कुल 15 कंपनीज हैं। चलिए देखते हैं सीएट टायर्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को। सीएट के पास 50 से ज्यादा ओईएम्स हैं। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओईएम कंपनीज वो होती हैं जो ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं ताकि वे अपने ब्रांडिंग और लेबलिंग से आगे कस्टमर्स को सेल कर सकें अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। 100 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी का माल जाता है और 3400 से ज्यादा कंपनी के एक्टिव टायर डीलर्स हैं। कंपनी मेनली कार्स, बाइक्स एंड स्कूटी के टायर सेल करती है। कार कंपनी सच एज ह्युंडई, मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टोयोटा को टायर सप्लाई करती है। कंपनी का मार्केट कैप है 10,467 करोड़। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2588 रुपीज। स्टॉक का पी है सिर्फ 15.6 का। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कंपनी में 47.21% पर बरकरार है। कंपनी की एनुअल सेल्स 2018 में हुआ करती थी 6282 करोड़, जो कि अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स बढ़कर हो गए 11,800 करोड़ पर। प्रॉफिट्स की बात करें तो 2018 में कंपनी के प्रॉफिट्स हुआ करते थे 233 करोड़, जो कि आज बढ़कर हो गए 665 करोड़। 2018 में स्टॉक का प्राइस हुआ करता था 1300 के आसपास, जो कि आज बढ़कर हो गया है 2600 रुपीज के आसपास। यानी प्रॉफिट्स कंपनी के हो गए हैं 3 गुना, बट स्टॉक का प्राइस हुआ है डबल। अगर आप किसी भी स्टॉक को उठाकर देख ले तो जितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है उतना ही उस स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है, जिस वजह से मुझे इस स्टॉक में एक वैल्यू नजर आती है और मैं हर फॉल पर इसको बाय कर रहा हूं। चलते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की ओर। सेकंड स्टॉक पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वीडियो को बनाने में बहुत सारी रिसर्च लगती है और अगर आप एक छोटा सा सब्सक्राइब कर बटन क्लिक कर देंगे तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहने का। तो हमारी लिस्ट का सेकंड स्टॉक है चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। कंपनी का बिजनेस है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का एंड सप्लाई वेरियस काइंड्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लुब्रिकेंट्स। कंपनी पहले मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, विच लेटर चेंजेस नेम टू चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स। कंपनी रिफाइंस 2,35,000 बैरल्स क्रूड एवरीडे। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स में एलपीजी, मोटर स्पिरिट, सुपीरियर केरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, नेप्था, बिटुमिन, लूप बेस्ड स्टॉक, पैराफिन वैक्स, फ्यूल ऑयल, हेक्सेन एंड पेट्रोलियम फीड स्टॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। चेन्नई पेट्रो का मार्केट कैप है 13,339 करोड़। स्टॉक का करंट प्राइस है 896 रुपीज। स्टॉक का पी केवल 4.3 का है। कंपनी की एनुअल सेल 2018 में हुआ करती थी 32,369 करोड़, जो कि अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स बढ़कर हो गई है 66,674 करोड़ पर। प्रॉफिट्स की बात करें तो 2018 में कंपनी के प्रॉफिट्स हुआ करते थे 913 करोड़, जो कि आज बढ़कर हो गए हैं 3103 करोड़। 2018 में स्टॉक का प्राइस हुआ करता था 320 रुपीज के आसपास, जो कि आज बढ़कर हो गया है 900 रुपीज के आसपास। कंपनी की 5 ईयर्स कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 19% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 31% है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.29% पर बरकरार है। इस कंपनी को भी मैं हर फॉल में ऐड कर रहा हूं। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक की ओर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो या आपने आज कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज वीडियो लाइक करना मत भूलना। हमारी लिस्ट का लास्ट स्टॉक है एमएम फोर्जिंग्स लिमिटेड। एमएमएफएल का बिजनेस है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फोर्जिंग्स। फोर्जिंग्स यूज होते हैं इन मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स जहां कंपोनेंट को हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्जिंग्स आर मेनली यूज्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री,
विच इंक्लूड इंजन पार्ट्स, स्टीयरिंग पार्ट्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम्स। कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फ्रंट एक्सल बीम, नकल, यूनिवर्सल जॉइंट क्रॉस, स्टीयरिंग आर्म जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी पैसेंजर कार्स, एग्रीकल्चर, हाई प्रेशर वाल्व्स के लिए भी फोर्जिंग्स बनाती है। फोर्जिंग्स यूज होते हैं इन मैकेनिज्म एंड मशीन जहां कंपोनेंट को हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी के 10 प्लांट्स हैं और 110,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। MM फोर्जिंग्स का मार्केट कैप है 2,080 करोड़। स्टॉक का करंट प्राइस है 862 रुपीज। स्टॉक का पी 15.4 है। कंपनी की एनुअल सेल्स 2018 में हुआ करती थी 621 करोड़ जो कि अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स बढ़कर हो गई है 1510 करोड़ पर। प्रॉफिट्स की बात करें तो 2018 में कंपनी के प्रॉफिट्स हुआ करते थे 69 करोड़ जो कि आज बढ़कर हो गए हैं 135 करोड़। 2018 में स्टॉक का प्राइस हुआ करता था 500 रुपीज के आसपास जो कि आज बढ़कर हो गया 862 रुपीज के आसपास। कंपनी की 5 ईयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 18% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 13% है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग में 56.33% पर बरकरार है। काफी सारे फंड हाउसेज ने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो ये थे वो 3 स्टॉक्स जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मुझे लगता है ये सब आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। सो गाइस डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, सो कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर करें। मैं बस आपसे मेरी मल्टीबैगर लिस्ट के 3 स्टॉक्स शेयर करना चाहता था जिनमें मुझे भरोसा है और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर से एक और मल्टीबैगर लिस्ट के टॉप स्टॉक के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।